हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट टू। अब ये जो पार्ट टू है ना बच्चों, इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है ना, अपन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक दिन पहले पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों होती है मैं इसको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले ना तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको, है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा आपको बस ये दिमाग में याद रखना है कि कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल, ठीक है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, सिंपल सिंपल है, बस उसको रखना है, आंसर आ जाता है। तो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एज। अब एजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि पापा की एज इतनी, डॉटर की एज इतनी, है ना, मम्मी की एज इतनी, ये एज वाले क्वेश्चन भी बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन होते हैं और ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। सेकंड, थर्ड, ट्रेन वाले क्वेश्चन, है ना, ट्रेन क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ट्रेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। एक होते हैं एज क्वेश्चंस, सेकंड होते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली मतलब यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके, हाँ, फिर आते हैं एरिया वाले क्वेश्चन, है ना, एरिया क्वेश्चंस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस पूछ लेगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा वहां पे। तो ये कुछ प्रीमियम क्वेश्चंस है जो आईसीएसई में बार बार पूछे गए, आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए धीरे धीरे करके हम इस क्वेश्चंस को करेंगे और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए बहुत अच्छे से हम इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस देखेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद मैं इसको कैसे करता हूँ वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 84 एंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है, फाइंड द नंबर्स, इट इज नहीं, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब ये देखिए आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है क्वेश्चन 2020 में और 18 में, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फिर इसको डिकोड करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब दोबारा से देखें मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक सबसे पहले तो हमें इतना पता चल गया कि भाई एक स्क्वायर का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे थे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे दो स्क्वायर हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स 84। अब दो स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मतलब कोई ना कोई नेचुरल नंबर है हमारे पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लिख लेता हूँ, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। अब देखो, अगर मैं किसी भी दो का डिफरेंस कर रहा हूं, देखो यहां पे देखो, अगर कोई ना कोई एक नंबर होगा एक्स और उसको मैं उसका स्क्वायर, और एक और नंबर होगा वाई उसका स्क्वायर, और ये दोनों किसके बराबर, 84 के। अब एक बार बताओ, ठीक है, एक बार बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉलर नंबर को एक्स रख देता हूं, मान के चलो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, तो मैं क्या कभी एक्स को आगे रख सकता हूं, कभी भी नहीं रख सकता भाई, हमेशा आगे बड़ा नंबर आता है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने जो नीचे लिखी है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, बहुत प्यार से, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चार पांच क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बहुत अच्छे से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैं इसको करने वाला हूँ, दो चार पांच क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं हम, ठीक है, ओके।
ठीक है, ओके। तो अब हम इसको करते हैं, देखो अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। अब देखो लेट द टू नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं, लेट लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई को मैंने दो नेचुरल नंबर्स ले लिए, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 84। तो अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स बी स्मॉलर नंबर, लेट एक्स बी स्मॉलर नंबर, तो वाई ऑटोमेटिकली मेरा लार्जर नंबर हो जाएगा, ये बताओ ना पहले, ये इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, ठीक है, अब जब इन दोनों का स्क्वायर जब मैं माइनस करता हूं ना, तो वो 84 आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या मैं आगे एक्स रख सकता हूं, नहीं रख सकता ना, तो मुझे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहां तक हमने बहुत अच्छे से डिकोड कर दिया इसको। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बोली भाई ने, कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या है, मतलब एक्स की पावर वाई, मतलब सॉरी वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, देखो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, एक्स, मतलब वाई स्क्वायर की जगह मैं 25x रख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही अपन इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो बनेगी हम पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गली के बच्चे बच्चे को सॉल्व करनी आती है मेरे ख्याल से। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 84। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हमें सॉल्व करनी अच्छे से आती है सर, आती है सर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो फर्दर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो एक्स की दो वैल्यूज आने वाली है ना, एक्स की दो वैल्यूज आएगी, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21 एंड 4, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 21 मैं क्या इसको रख सकता हूं, 21 को क्या मैं यहां पे ले सकता हूं, खुद देख के बताओ, 21 आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर 21 का स्क्वायर वो 84 से तो बड़ा हो जाएगा, तो इट मींस मैं 21 को तो नहीं ले सकता, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 4। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक तो आपको समझ में आ गया। देखो बहुत इजीली मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हैं वो ही लेके आया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जैसे एज वाला, ट्रेन वाला, वो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, धीरे धीरे से हम करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, है ना, धीरे धीरे से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है एज वाला क्वेश्चन, क्या बात है जी। अब एज वाले क्वेश्चंस को कैसे हमें डिकोड करना है, पहले हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इक्विलिब्रियम का केस समझाता हूँ आप, ठीक है, आपने 9th में सीखा होगा इक्विलिब्रियम का केस। अब जो सीबीएसई आईसीएसई वाले हैं, अब वो मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आईसीएसई वाले
नाइन्थ में आपने पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वहां पे आपको ये एज वाले क्वेश्चन आए होंगे और आपने इसको बहुत अच्छे से डिकोड भी किया होगा। बट अब जैसे जो सीबीएसई के हैं, सीबीएसई में तो ये टेंथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो वहां पे उन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आ जाती है कि सर इसको कैसे डिकोड करें, क्योंकि लग तो हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अब आईसीएससी वालों के लिए कोई टेंशन ही नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनको पता है भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंशन ना लेते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे डिकोड करते हैं एज वाले। पहले मैं इक्विलिब्रियम का केस बताता हूँ। आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम वाला है ना, तराजू वाला। तो भाई ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, जैसे हम प्रूव करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वैसे ही लेफ्ट है और राइट होता है। तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो अगर मैं बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 ईयर्स अगो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फादर बोल रहा है सन को। पहले समझ लो, पहले तो ये बात की बात है, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पापा बोल रहे हैं 5 साल पहले सन को कि मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। पापा ने क्या बोला, मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। पापा ने बोला आई वॉज 3 टाइम्स बिग, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 गुना मैं ज्यादा बड़ा था, या मैं ये बोल सकता हूँ आई विल बी ट्वाइस ऑफ योर एज, है ना, तीन ट्वाइस बोल रहा हूँ, थ्राइस ऑफ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 5 ईयर्स अगो, तो सबसे पहले अगर मैंने फादर को एक्स लिया तो मैं सन को ले लेता हूँ वाई। फादर को मैंने एक्स लिया, सन को ले लिया मैंने वाई, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई। देखो इक्विलिब्रियम का केस बनाया मैंने, एक्स इक्वल्स टू वाई। अब 5 साल पहले पहले अगो, तो दोनों में मैंने 5 माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों में मैंने 5 माइनस कर दिया। यहां तक क्लियर है कि नहीं, दोनों में मैंने 5 माइनस कर दिया, क्लियर है। जैसे ही मैंने दोनों में 5 माइनस किया तो पापा ने बोला मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा हूं, मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा हूंगा। पापा तो पहले से ही 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, इक्वल करने के लिए बच्चे पे 3 लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, यहां तक क्लियर है। तो ये है 5 अगो, अगो मतलब 5 साल पहले पहले। तो मैंने ना एक्स और वाई को पापा और बच्चे की प्रेजेंट एज ले ली, लेट कर लिया मैंने प्रेजेंट एज, ये दोनों की ना प्रेजेंट एज है, ये दोनों की फादर एंड सन की प्रेजेंट एज है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब सिमिलरली ये अगो का केस था, पहले 5 साल पहले। अब अगर ये हो जाता 5 ईयर हेंस, हेंस बोले तो कि 5 साल बाद, क्या बोला मैंने, 5 साल बाद, 5 साल बाद आगे, तो यहां पे सारा सिनेरियो हो जाता चेंज। क्या हो जाता सारा सिनेरियो चेंज। अब यहां पे वही मैं इक्विलिब्रियम का केस करता, बहुत अच्छे से देखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब ध्यान से देखें मैं अब क्या करता। देखो मैं यहां पे करता कि एक्स इक्वल्स टू वाई, इक्विलिब्रियम का केस दोनों बना दिया। अब 5 साल बाद की बात है, तो दोनों में 5 साल बढ़ जाएंगे और पापा ने बोला बेटे से कि मैं तेरे से थ्राइस थ्राइस बड़ा हूं, 3 गुना बड़ा हूं। तो पापा तो पहले से ही 3 गुना बड़े हैं, मुझे इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए कि 3 यहां पे राइट में बच्चे पे लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। तो एजेस वाले में कितना दिमाग लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन को डिकोड करते हैं ना, क्वेश्चन कैसे करने वाले, अब मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बस सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। कुछ जो भी क्वेश्चन होगा पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशंस करूंगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। ओके क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर्स अगो, क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर्स अगो वुमन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। तो सबसे पहले एक तो वुमेन है, मदर है, और एक सन है, तो लेट पहले पहले उनके लिए प्रेजेंट एज लिख लो, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, उसको मैंने ले लिया एक्स, और सन की प्रेजेंट एज को ले लिया मैंने वाई। यहां तक क्लियर है? तो मैंने क्या किया, पहले वुमेन की प्रेजेंट एज को एक्स ले लिया एंड सन की प्रेजेंट एज को वाई ले लिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक मैंने कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से सुनिए। 5 years अगो, 5 साल पहले, तो इक्विलिब्रियम का केस बनाना हमने आता है ना, तो एक्स इक्वल्स टू वाई, 5 साल पहले बोल रहा है, देख लो ध्यान से, 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर लो, कर दिया। तो बोला मैंने 5 साल पहले वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, वुमेन की जो एज थी वो क्या है, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वुमन की एज तो पहले से ही स्क्वायर है, इक्वल करने के लिए किस पे लगाना पड़ेगा स्क्वायर? भाई क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। 5 years अगो वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, मतलब वुमेन की जो एज थी ना वो स्क्वायर थी उसके सन्स के एज के, ठीक है ना? तो वुमेन तो पहले से स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर किस पे लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम करने के लिए, सन पे। तो सन पे हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक हमें क्लियर हो गया, इतना क्लियर है, समझ में आया? ये बताओ पहले, बहुत बढ़िया। तो एक कंडीशन मेरी बन गई, पहली कंडीशन, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 10 years हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। अब 10 साल बाद का क्या सिनेरियो है वो हम देख लेते हैं। तो 10 साल बाद क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई लिखो, मम्मी और बच्चा, तो एक्स इक्वल्स टू वाई 10 साल बाद, एक्स प्लस 10 और यहां पे भी वाई प्लस 10। अब मम्मी क्या कह रही है, वुमेन क्या कह रही है, आफ्टर 10 years हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, तो मदर की जो एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, तो मदर की तो एज ट्वाइस है ही, मुझे कहां पे टू लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कहां पे, सन्स एज में, तो मैं लगा दूंगा टू। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? बहुत बढ़िया। तो देखो अब आप इन दोनों क्वेश्चंस, अब ये जो दोनों चीजें हैं, अब इन दोनों को आप करोगे तो आपको, मैंने देखो इक्वेशन बना ली है, अब इक्वेशन अगर मैंने बना ली है तो इसको मैं, इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई, ठीक है, और यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2 वाई प्लस 20, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो यहां तक हमारा काफी अच्छे से हमने ये कर लिया, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस देखो ये मेरी पहली कंडीशन थी, पहली वाली क्वेश्चन, ये मेरी सेकंड वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें ना इस 20 को ना मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो एक्स प्लस 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 2 वाई, ठीक है ना? यहां तक देखिए, तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि जो मेरा 2 वाई हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 10। देख लो अच्छे से, बहुत अच्छे से देख लो इसको, तो 2 वाई क्या हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस 10। यहां तक क्लियर? ओके। बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे पे एक कंडीशन बन गई, अब ऊपर वाले को तो अभी मैंने छेड़ा ही नहीं, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं इन दोनों को देखो बॉक्स में रख रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स, बोल रहे द एज ऑफ सन, सन की एज चाहिए, ठीक है, एज ऑफ सन 5 years अगो, पहले तो मुझे सन की एज निकाल लेनी है, ठीक है। तो मम्मी को हमने क्या रखा था,
मदर को हमने एक्स रखा था और सन को रखा था हमने वाई, ठीक है। तो बेसिकली अपन को पहले वाई निकालना है, ठीक है। सन की एज निकालनी है ना, बोला ना 5 साल पहले सन की एज क्या है, तो पहले मैं वाई निकाल लेता हूँ। तो वाई निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं इस 10 को ना उधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y+10=x। अब देखो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस x को ना मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ ऊपर, यहाँ पे, समझ रहे हो। तो अब देखो मैं बताता हूँ, x-5=y²+25-10y। अब इस x को ना मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तभी तो y की वैल्यू आने वाली है, तभी तो लड़के की वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, +10-5=y²+25-10y, ठीक है ना। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन सब को, ये जो भी लेफ्ट में है सबको उठा के राइट में शिफ्ट कर देते हैं ना, तो ये हो जाने वाला है मेरा, ये हो जाने मेरा y², ठीक है, +25-10y -2y -10 +5=0। तो अब देखो क्वाड्रेटिक का कुछ फॉर्म बन रहा है ये, है ना, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा y² -12y +20=0। तो यहां से मेरे पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे पे एक्स की दो वैल्यूज आने वाली है, तो सॉरी वाई की दो वैल्यू आने वाली है। तो वाई की जो दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज एक तो आ जाएगी मेरे पे 2 और एक आ जाएगी मेरे पे 10, ठीक है ना। वाई की मेरे पे दो वैल्यूज आने वाली है, 2 और 10। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो 2 तो मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है, 2 तो मैं ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? 5 साल बाद, जब उसने क्वेश्चन बोला था कि 5 साल बाद उसकी एज क्या रही होगी, तो भाई मैं ऐसे तो नहीं कर सकता था ना कि 2-5 मतलब नेगेटिव में पैदा ही नहीं हुआ वो, समझ रहे हो। तो ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरा जो मेरी प्रेजेंट एज है लड़के की, वो 10 होने वाली है। अब क्वेश्चन में ऊपर चलते हैं, मतलब जो प्रेजेंट एज थी वो तो 10 थी ना बच्चे की, तो सन की प्रेजेंट एज जो है वो 10 है। अब वो बोल रहा है द एज ऑफ सन 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले बच्चे की एज क्या थी, 5 साल पहले, ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा 5 साल पहले बच्चे की एज कितनी रही होगी भाई, तो मतलब कोई भी करके बता देगा कितनी रही होगी, जल्दी बताओ। सब सही बात है, 10 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो भाई 5 ईयर रही होगी 5 साल बाद, यही है ना। तो पहले वाले का तो हमारा आ गया 5 साल, और वो बोल रहा प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, वुमेन का प्रेजेंट एज बता। तो वुमेन का प्रेजेंट एज मैं आराम से बता दूंगा, देखो यहां से देखो 2x, देखो ये कंडीशन देख रहे हो ना, 2y+10=x, 2y+x, देखो 2y+2y=x-10। तो मैं लिख लेता हूँ 2y=x-10 था ना, देखो जरा एक बार, हाँ एक्स माइनस हो, ठीक है। तो यहां पे बस कुछ नहीं करना है मुझे, y की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 10, ठीक है, प्रेजेंट एज, सॉरी 10 था ना प्रेजेंट एज, तो 10 था ना बच्चे का, तो 20, 20+10=x। तो मम्मी की जो एज है वो होगी 30 साल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एज वाले क्वेश्चन में मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, मैंने पहले ही ड्रामे नहीं करे वहां पे कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम का केस होता है भाई, पहले बच्चे को रखो फिर मम्मी को रखो, या किसी को भी आप रख सकते हो, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको भी रखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एक और चीज कि जितने भी मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, ये ओसवाल की बुक है इस सैम्पल पेपर से, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और जिस भी जहां से भी आप ले सकते हो, मतलब हर जगह अवेलेबल है, तो मैं यहीं से क्वेश्चंस उठाता हूँ, और काफी अच्छी बुक है, तो प्लीज इसको आप रिकमेंड जरूर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मुझे पैसे नहीं मिलते इस चीज के, आपको पहले ही बता दूं, ठीक है।
ना हम इतने बड़े यूट्यूबर है इतना हमें पैसे देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है ट्रेन वाले, कार वाले, है ना। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार कवर्स, क्वेश्चन कह रहा है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ए कार। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार आने वाला क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो इसको कैसे डिकोड करना है बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे, देखो डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है दोनों में, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट द स्पीड बी एक्स, मैंने स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आर ले लिया। ठीक है, सिमिलरली अब डिस्टेंस तो मुझे पता है विच इज 400 किलोमीटर, तो मैं टाइम को ले लेता हूं। टाइम को क्या ले ले अपन, टाइम को लेट द टाइम बी वाई आर्स। ठीक है, तो मैं टाइम को ले लिया वाई, सिंपल। अब देखो क्या कह रहा है, हमें सिंपल पता है कि स्पीड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और स्पीड मैंने आपको अभी बताया कि मैंने एक्स लिया, डिस्टेंस अपने को पता है 400 एंड टाइम मैंने अभी लिया है वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन आ गई कि जो एक्स है वो है मेरे पे एक्स इक्वल्स टू 400 अपॉन वाई। अब आता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जहां से मेरे पे सेकंड इक्वेशन बननी है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। कह रहा है अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आर मैं बढ़ा देता हूं, अब देखो यही इसी में देखो है, इस पे देखो है एक्स इक्वल्स टू 400 अपॉन अपॉन यहां पे देखो और वाई मैंने लिखा। अब बोल रहा है अगर मैं स्पीड 12 किलोमीटर पर आर बढ़ा देता हूं, तो मैं स्पीड कहां पे बढ़ाऊंगा, यहां पे, तो मेरे को कितना टाइम लेस लग रहा है। तो लेस लग रहा है तो मतलब मैं माइनस करूंगा, और कितना टाइम लेस लग रहा है, 1 आवर 40 मिनट्स। अब देखो सब चीज आवर में हो रहा है तो मैं यहां पे मिनट में ही रख सकता हूं, तो पहले मैं इसको चेंज करता हूं। तो देखो 1 आवर में ये लिख देता हूं, ठीक है, और 40 मिनट्स, तो 40 मिनट 40 अपॉन 60 मिनट कर देते, काट देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1 2/3, और मैं मिक्स फ्रैक्शन में करता हूं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/3 आर। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको लिख लेता हूं, दो इक्वेशन बना रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स इक्वल्स टू 400 अपॉन वाई, सेकेंड कंडीशन है एक्स, सेकेंड कंडीशन क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 12, सॉरी एक्स प्लस 12 जो है वो कितना है 400 अपॉन वाई माइनस 5/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। अब अगर ये दो चीज आपके समझ में आई होगी तो मैं इसको हम भी एक इसने लाल रंग डाला, दो लाल लाल इक्वेशन बना देता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, अब बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं बहुत बढ़िया से। अब हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो निकालना अपन को क्या है, स्पीड निकालनी है। ऊपर चलो जरा देखो क्या निकालनी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। अब मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड को क्या लिया था मैंने, एक्स लिया था। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे पता चल गया है एक चीज, जो भी मुझे निकालना होता है ना, जो भी मुझे निकालना होता है तो मैं उसको वाई के रिस्पेक्ट पे लिखता हूं। तो वाई को इधर ले लेता हूं, वाई हो जाएगा मेरा 400 अपॉन एक्स। ठीक है, तो जहां भी वाई है, जहां भी वाई है, जहां भी वाई है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तेरे के लिए। तो जहां भी वाई है, तो अब देखते हैं इस वाले को, देखते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स प्लस 12। अब इस पूरे को उठा के मैं, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ ना, तो हो जाएगा वाई माइनस 5/3 इक्वल टू 400। बस इस वाई को मुझे हटाना है, वाई को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, इस वाई की वैल्यू मैंने अभी क्या रखी थी, 400 अपॉन एक्स, तो बस अब मुझे यहां रख देना, तो हो जाएगा एक्स प्लस 12 जाएगा 400 अपॉन एक्स माइनस 5/3 इक्वल टू 400।
400। बस अब मैं यहां पे इसको सॉल्व करने वाला हूं और बहुत ही इजीली मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1200 माइनस 5x इक्वल्स टू 400। अब देखो, अब मैं इस पूरे को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हो जाएगा x प्लस 12, ये हो जाएगा 1200 माइनस 5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400 इंटू 3x। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक मैंने कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने इसको कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1200x माइनस 5x² प्लस 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 प्लस, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, 12 × 1200। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 2 10, 5 2 10, 5 5, एक सेकेंड, 5 2 10, 5 1 5 और 1 6, 60x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, राइट हैंड में, हो जाएगा 400 × 3x। ठीक है जी, तो 400 × 3x कितना हो जाएगा, 1200, 1200x से, 1200x से 1200x खत्म। बहुत बढ़िया जी, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा जी 1200x, तो यहाँ पे तो इवन हो जाएगा, तो इस सब को मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 5x² देख लो, 5x² प्लस 60x, और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1440। ठीक है, तो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके। और अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्स की स्पीड जो है वो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी मेरे ख्याल से, ना? बहुत बढ़िया, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये डी को मैं ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने फर्स्ट वाले पार्ट पे मेरे ख्याल से नहीं कराया था, है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देख लो एक बार, ये है x² प्लस 4 kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, हटा देते हैं इस बुक को। ओके, अब मुझे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है इक्वल रूट्स है इसके। अब इक्वल रूट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो भैया मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² माइनस 4ac जो है सर वो 0 है। ठीक है, तो इट मींस मैं यहां से सीधे सीधे डिकोड कर लूंगा इसको। तो b क्या है मेरा, ध्यान से देखेंगे, जो मेरा b है, जो मेरा a है, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ। a जो है वो मेरा है, a जो है वो मेरा है 1, b है जो वो मेरा है 4k, और जो मेरा c है वो है मेरा k² माइनस k प्लस 2। ठीक है ना, ये पूरी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मुझे पता है b² मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b क्या है मेरा, 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 × a है मेरा 1, c है मेरा k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 16k² माइनस, ये हो जाएगा जी माइनस का 4k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा जी मेरा 12k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और आप बहुत अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है। अच्छा, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, 4 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 4, इधर भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना इजी हो जाएगा, देखो और इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हम पे आ जाएगा 6 के फैक्टर ले लेता हूँ, है ना, 2 3 जा 3 बन जा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा मेरे पे 3K² प्लस का 3K माइनस का 2K माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2K कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा K+1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, K+1। सो यहां से हम पे K की वैल्यूज आ गई, K की वैल्यू एक बार आई -1 और एक बार K की वैल्यू आई 3K-2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स K आ जाएगा मेरे पे 2/3। तो ये मेरे पे 2K की वैल्यूज आ गई। तो मेरे ख्याल से आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ कि इसमें फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ा रखा सा है। एक सेकेंड। ओके ठीक है ठीक है। तो कह रहा है हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड, ठीक है, देन द न्यू हाइपोटेनियस विल बी, अच्छा, 9√5, मतलब 9√5 सेंटीमीटर। एंड अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की साइड्स बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले भाई अपन बना लेते हैं ना। अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन गया, ये तो कुछ और ही बन गया। चलो कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। हाँ, अब कुछ सही सा लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, अब बना राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। और एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस क्या है, 3√10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड, ठीक है। मान के चलो इसके स्मॉलर साइड को मैं एक्स लेता हूँ और लॉन्गर साइड को वाई ले लेता हूँ। मान के चलो एक्स एंड वाई ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, अगर मैं इस पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा भाई 3√10 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरे पे वाई का स्क्वायर, बेस है मेरे पे एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज अवर कंडीशन वन बाय पाइथागोरस अंकल, ठीक है। पाइथागोरस अंकल से मैंने पहली इक्वेशन तो बना ली। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल, अब छोटी साइड जो है वो ट्रिपल है, छोटा साइड मैंने एक्स लिया था, मैं लिख लेता हूं यहां पे, लेट द स्मॉलर साइड बी एक्स एंड लार्जर साइड बी वाई, वाई ठीक है। स्मॉलर को मैंने एक्स लिखा, लार्जर को वाई लिया, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि स्मॉलर साइड जो है, द स्मॉलर कहां लिखा हुआ है, स्मॉलर साइड इज ट्रिपल एंड द लॉन्गर साइज इज डबल, द न्यू हाइपोटेनियस विल बी दिस। अब वो क्या कह रहा है, स्मॉलर साइज ये है और लार्जर साइज ये है, तो नया वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं जो मेरी लॉन्गर साइड है कहां पे, हाँ, इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल, स्मॉलर साइज है ट्रिपल 3x ट्रिपल, एंड द लार्जर साइज इज डबल, लार्जर साइज है 2y इज डबल, देन द हाइपोटेनियस विल बी, देन द हाइपोटेनियस विल बी 9√5, ठीक है। अब फिर से मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पे, फिर से पाइथागोरस लगा लो, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ दैट विल बी दिस, ठीक है। अब दोनों कंडीशन हम आ चुके हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली शायद अब, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पे, इस वाले को सॉल्व करता हूँ, ये तो मेरे पे ऊपर तो है ही, तो अब मैं देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 9x² + 4y² = 81 × 5, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बहुत बढ़िया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या था,
ये मेरी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट वाली कंडीशन मैं अभी सब्सटीट्यूट करूंगा इस पे, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री नाइन इंटू टेन, नाइन थ्री नाइन और नाइन टू टेन, ठीक है। तो एक्स मुझे निकालना है ना, छोटी साइड निकालनी ना, क्या निकालनी, लॉन्गर साइड निकालनी, तो मतलब मुझे एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ना, तो बहुत इजी है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 90 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर क्या है, 90 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको इस पे सब्सटीट्यूट कर देना एंड दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पे, 90 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81 इनटू 5। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब आप कर लेना। ये हो जाएगा 810 माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81 इनटू 5। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वो कुछ ना कुछ काट पीट तो होने वाली है ना। तो ये हो जाएगा 810 माइनस 5 वाई स्क्वायर 81 इंटू 5। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाने वाला, तो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, 5 वाई स्क्वायर प्लस 5 5 5 40, ठीक है, 405। और इसको भी मैं इधर ही माइनस कर देता हूँ, 801 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा, ये एक सेकेंड मुझे कुछ गड़बड़ तो देखने दो। ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा कितना, 810 और 405, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 5 6 7 3 0 5। तो ये हो जाएगा 5 x y² इक्वल्स टू 305। 5 से 5 काट देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 5 5 6 30, 61 आ रहा है भाई वाई का। देखना एक मिनट, लेट मी चेक कि आंसर सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 61 देखने दो, 4, एक सेकंड, गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 5, ठीक है, 0 5 6 7 8, 810 और 405 405। ओके, गलती हो गई यार, ये 405 होगा यार, क्या कर रहा हूँ, 405, ठीक है, ठीक है, 405, ठीक है। और ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 8 40 81। तो यहाँ पे y जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 81, दैट इज y इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। बहुत बढ़िया,